हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि कौन सा प्रिंटर आपके लिए अच्छा है। आपने देखा है दोस्तों कि बहुत सारे प्रिंटर्स आजकल मार्केट में आए हुए हैं, जैसे सैमसंग, कैनन है, एप्सन है, रिको है, या ब्रदर जैसी कुछ बहुत कम दिखाई देने वाली कंपनियां हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कौन सा प्रिंटर हमारे लिए अच्छा है और कौन सा प्रिंटर हमें जनरल होम यूज़ के लिए ख़रीदना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आजकल जनरली जो टीवी पर एडवर्टाइजमेंट दिखाई देते हैं वो इंक जेट प्रिंटर्स के हैं। इंक जेट प्रिंटर में एक इंक का जेट होता है जहाँ पे लिक्विड इंक फील की गई होती है, और उसमें दो प्रकार आते हैं, जैसे कि ब्लैक एंड वाइट और जिसमें कलर आपको मिल जाता है, और दूसरा एक प्रिंटर का टाइप होता है जो होम यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है या प्रोफेशनल यूज़ के लिए भी, वो है लेज़र वाला, जिसमें पाउडर होती है ब्लैक कलर की, या जो भी कलर कार्ट्रिज होती है उसकी पाउडर होती है उसे प्रोवाइड किया जाता है, और उसी से जो जो है प्रिंटिंग वगैरह होता है। तो दोस्तों, और प्रिंटर में भी दो टाइप्स मिलते हैं, एक मिलते हैं सिर्फ प्लेन प्रिंटर और दूसरे में मिलते हैं ऑल इन वन, जिसमें आपको जेरोक्स, कॉपी, स्कैन, ये सब चीज़ें भी उसी प्रिंटर में आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि जब भी आप प्रिंटर ख़रीदें तो ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट आजकल टीवी पर दिखाई जाती है वो इंक जेट प्रिंटर्स की होती है। जो इंक जेट प्रिंटर्स आपको 2000 से 3000 रुपए में बहुत बार ऑल इन वन प्रिंटर, जिसमें कि स्कैन, कलर, जेरोक्स और फैक्स, इस तरीके की सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि 2 से 3 हज़ार रुपये में आपको मिल जाते हैं। लेकिन आप उस तरह के प्रिंटर दोस्तों कभी भी मत खरीदिए, क्योंकि वो प्रिंटर ख़रीदना एक टाइप का फिशिंग होता है दोस्तों। क्योंकि उस प्रिंटर की जब आप वो कार्ट्रिजेस होती हैं, जो एक ब्लैक होती है और दूसरी कार्ट्रिज होती है, उसमें 3 कलर्स होते हैं, जो RGB कलर्स होते हैं, वो 3 कलर्स उसमें कलर्स की कार्ट्रिज होती है। उस एक एक कार्ट्रिज की कीमत लगभग 500 से 1000 रुपए तक पड़ती है, 1000-1200 रुपए तक पड़ती है। इसके लिए दोस्तों, अगर शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे तो वो दो प्रिंटर आपको 2000 में मिल गया, लेकिन उस कार्ट्रिज की कीमत होती है लगभग 500 से 1200, यानी हर एक दो महीने में अगर आपको बार बार वो कार्ट्रिज खरीदनी होगी, और एक टाइप का वो फिशिंग है, कंपनी आपको हुक डाल के कुछ चारा खिला रही है और आपको परमानेंट कस्टमर बना के आपसे बहुत सारा पैसा ऐंठ रही है। और इसमें आप अगर वो जो इंकजेट प्रिंट वो जो कार्ट्रिज है उसको आप रिफ़िल करेंगे तो बहुत बार आप रिफ़िल भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस इंकजेट प्रिंटर में एक चिप लगी होती है, मेमोरी चिप, वो आपकी लास्ट नोन प्रिंटर की इंक लेवल को जो है रिकॉर्ड करे रखती है, जिससे कि जब आप रिफ़िल करेंगे वो जो रिफ़िल की इंक लेवल अगर बढ़ गई तो प्रिंटर काम करने कर देना बंद कर देता है, क्योंकि आपने रिफ़िल की है। अगर उस चिप को आप बहुत बार बाईपास कर सकते हैं, और कुछ एक बार आप कुछ कंपनियों के बाईपास आप नहीं कर सकते, अगर आप वो नई कार्ट्रिज इंकजेट की अगर नहीं लाते तो वो पूरा प्रिंटर आपका वेस्ट हो गया। उसमें अगर आपने ऑल इन वन या मल्टी टाइप का प्रिंटर अगर आपने लिया है तो उसका सिर्फ स्कैनिंग टाइप का पार्ट आप यूज़ कर सकते हैं, प्रिंटिंग आपका पूरा वेस्ट हो जाता है। और इंकजेट प्रिंटर में और एक चीज़ है दोस्तों, उसमें से ज़्यादा 100 या 150 प्रिंट ही मिल सकते हैं आपको। उसमें से स्टार्टिंग के कुछ प्रिंट्स होते हैं वो आपको टेस्ट प्रिंट वगैरह में
पेजेस बहुत सारे वेस्ट करने पड़ते हैं, पेपर भी बहुत बार जाम होता है। तो दोस्तों अब दूसरा टाइप का प्रिंटर देखते हैं, वो है लेज़र प्रिंटर। वो इस लेज़र प्रिंटर में आपको कलर और ब्लैक एंड वाइट के ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल होम यूज़र है और आपका कलर प्रिंट कभी महीने में एक या साल में एक 8-10 इतने ही आपका है, तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप ब्लैक एंड वाइट लेज़र प्रिंटर ही खरीदें, जिसमें कि आप ऑल इन वन कभी भी खरीदना नहीं है आपको। आपको प्लेन लेज़र प्रिंटर खरीदना है, और ज़्यादा करके रिको और ब्रदर जैसी कंपनियों का आपको खरीदना है प्रिंटर, क्योंकि वो प्रिंटर 2-3 हज़ार में, लगभग 3 हज़ार में आपको मिल जाएगा प्लेन प्रिंटर। लेकिन वो आप उसकी लाइफ आपको लगभग 3-4 साल तक उसको कुछ नहीं होगा दोस्तों, और जो प्रिंट की स्पीड भी बहुत आएगी उसको, आपको मिनट 20 पेजेस ऐसी 20 पेजेस पर मिनट इस प्रकार की उसकी प्रिंट स्पीड है दोस्तों। तो इसके लिए, और इंकजेट की जो प्रिंट स्पीड होती है वो लगभग मिनट में भी एक प्रिंट आपको नहीं मिल पाती, और लेज़र में ये जो मैंने आपको प्रिंटर बताया, जो मोनो प्रिंटर रहेगा, जो ब्लैक ब्लैक प्रिंटर रहेगा ब्लैक और वाइट में, तो वो आपको लगभग 1,000 तक प्रिंट्स आपको पहले इनिशियल आपके कार्ट्रिज में दे देगा। उसके बाद अगर आप रिको या ब्रदर का प्रिंटर लेते हैं, रिको तो ऐसी कंपनी है जो आपको उस रिफिल की पाउडर भी अवेलेबल कराती है। अगर आप 500 रुपये खर्च करें तो वो प्रिंटर की रिफिल की पाउडर, या जिसे हम टोनर कहते हैं, उस टोनर को आप घर बैठे रिफिल भी कर सकते हैं, और आपके बहुत सारे पैसे आप बचा सकते हैं। उसमें आपको कंपनी भी हेल्प करती है। देखिए दोस्तों, दूसरी कोई भी कंपनी आपको रिको के अलावा ऐसे कार्ट्रिज रिफिल करने में सपोर्ट नहीं करती दोस्तों, क्योंकि उनको उसमें उनका बहुत सारा नुकसान होता है। इसके लिए और एक दूसरी चीज़ है दोस्तों, जब भी आप प्रिंटर खरीदें वो मोनो क्यों खरीदें, क्योंकि अगर प्रिंटर 1-2 साल में ख़राब हो गया तो आपको, अगर आपने और मल्टी फंक्शन वाला प्रिंटर लिया हुआ है तो उसका स्कैनर और नीचे जो प्रिंटर होता है वो दोनों आपको ख़राब हो जाएंगे, और दोनों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अगर आप एक नया प्रिंटर भी लाते हैं तो उसका स्पेस कंजम्पशन आपको बहुत ज़्यादा होगा। इसके लिए आप स्कैनर अलग से ख़रीदें और प्रिंटर अलग से ख़रीदें। प्रिंटर मोनो कलर का प्रिंटर यानी ब्लैक एंड वाइट ही ख़रीदें। आप अगर रेगुलर नॉर्मल यूज़र हैं तो आपके लिए वो सफिशिएंट होगा। कुछ प्रोजेक्ट्स आप बनाना चाहते हैं, जेरोक्स निकालना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर के थ्रू आप ये सभी काम आसानी से कर सकते हैं, और जिसमें आपको लगभग साल भर तक कोई रिफिल करने की ज़रूरत नहीं, और ये प्रिंटर आपको बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही अच्छी सर्विस देगा। इसमें कोई, अगर आप रिको का प्रिंटर लेते हैं तो उसमें कोई चिप भी नहीं डाली हुई होती। अगर आप ब्रदर का प्रिंटर लेते हैं, ब्रदर भी बहुत अच्छी कंपनी है, तो उसमें एक थोड़ा सा आपको एक गियर होता है, रिसेट गियर। वो गियर आपको मैन्युअली निकाल करके रिसेट करना होता है, उससे भी आपका प्रिंटर अच्छी तरीके से फिर से चलने लगता है। इसमें आप टोनर का रिफिलिंग भी कर सकते हैं, और यही मेरा आपको दोस्तों ये कहना है कि जो इंकजेट प्रिंटर सस्ते में आपको मिल जाते हैं वो कभी ना खरीदें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत बहुत वो नुकसानदायक होते हैं। जैसे आजकल इंक टैंक प्रिंटर्स भी मिल रहे हैं, लेकिन उनको खरीदना भी कोई अच्छी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि उनका लाइफ भी लगभग साल भर या 1.5 साल आपको निकल जाएगा। और एक लेज़र प्रिंटर की बहुत अच्छी खूबी है दोस्तों, कि वो लेज़र प्रिंटर अगर आप महीना भर भी बंद रखें, फिर भी महीने भर के बाद आपको अच्छी प्रिंट मिल जाएगी। उसके लिए आपको कोई टेस्ट प्रिंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि अगर आपका इंकजेट प्रिंटर है तो वो सीज़न के हिसाब से, गर्मी और ठंडी के हिसाब से, उसके जो हेड नोज़ल जो होते हैं वहाँ पे इंक ड्राई होकर वो जैम होता है दोस्तों। इसकी वजह से ये मेरी सभी बातें जो है
वो आप ध्यान में रखें और सही प्रिंटर का चुनाव करें। अगर आपके पास कोई अलग क्वेश्चंस हैं तो मुझे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।